हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। आज हम सीखेंगे कि पेन ड्राइव से हमने मशीन के अंदर प्रोग्राम कॉपी कैसे करना है, या फिर मशीन से हमने प्रोग्राम पेन ड्राइव में कैसे कॉपी करना है, राइट? तो पहले हम कॉपी करना सीखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जरूरत कहाँ कहाँ हमें पड़ सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ से मोड सिलेक्शन में MDI मोड पे। MDI मोड पे जाने के बाद हमने जाना है ऑफसेट पे। ऑफसेट पे जाने के बाद हमने जाना है OPRT पे। OPRT पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आएगी आगे बढ़ने की, तो ये वाली सॉफ्ट की हम प्रेस करेंगे और फिर प्रेस करेंगे। क्यों प्रेस करनी है, हमें तब तक प्रेस करना है जब तक यहाँ सेटिंग ना लिखी आए। यहाँ सेटिंग पे आए और यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना। अभी ये वाली सेटिंग में ये ऑप्शंस आएंगे। आपको जब पेन ड्राइव से प्रोग्राम कॉपी करना है या मेमोरी कार्ड से करना है, तो उसके लिए आपको देखना है ये वाला IO चैनल, यहाँ 17 लिखा हुआ है। सपोज यहाँ पर हमने कुछ भी टाइप करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये एरो से नीचे आऊँगा और सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखना है। पहली बात तो ये क्या लिखना है ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें मेमोरी कार्ड में प्रोग्राम कॉपी करना हो तो उसके लिए हमें टाइप करना है 4। मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे करना है इनपुट। ये देखो, ये 4 लिखा आ गया। अब अगर अपने पेन ड्राइव लगाए भी हैं ना, तो भी एक्शन नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ माइंड में डाल लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जब आपको पेन ड्राइव में कॉपी करना है तो यहाँ पे IO चैनल में 17 होना चाहिए। जब आपको मेमोरी कार्ड में कॉपी करना है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। ऑप्शन कॉपी करने की, पेस्ट करने की सेम रहेगी, खाली यहाँ पे आपको ये चेंज करना रहेगा। तो आज अपने को सीखना है लाइक पेन ड्राइव से। ओके, तो पेन ड्राइव के लिए अपन ने क्या करना है, यहाँ पे 17 इनपुट कर देना। 17 लिखा आ गया, लेकिन ये 17 कब लिखा आएगा, जब आपका ये जो मोड सिलेक्शन है वो MDI पे है, ठीक है? इसी का ध्यान रखना है आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी और मोड पे होगा तो वो नहीं लिखा आएगा। ओके, तो ये देख लेना आपको सेटिंग। जनरली जहाँ पे डेली पेन ड्राइव से प्रोग्राम कॉपी होता हो तो वहाँ 17 ही मिलेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम CNC पे काम कर रहे हो तो आपको एक बार चेक कर लेना, राइट? तो ये 17 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे मोड सिलेक्शन को करता हूँ यहाँ से एडिट पे। इसको क्या, मैंने एडिट पे, यहाँ से हम गए प्रोग्राम पे, ठीक है? फिर से हम प्रोग्राम का बटन क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। फिर प्रोग्राम का बटन दबाएंगे तो वो जो प्रोग्राम करंट में होगा, मेन प्रोग्राम जो होगा वो आ जाएगा सामने। ओके, तो मैंने प्रोग्राम पे क्लिक किया, प्रोग्राम की लिस्ट आ गई। मैं क्या करता हूँ, ये पेन ड्राइव लेता हूँ और ये पेन ड्राइव का पोर्ट है हमारे यहाँ CNC मशीन में, ठीक है? तो हर CNC में थोड़ा अलग जगह पे रहता है। सपोज इसमें यहाँ है तो हो सकता है किसी और कंपनी की मशीन में यहाँ होगा या कहीं और होगा, तो दैट इज नॉट अ इशू। तो मैंने यहाँ पे लगा दी पेन ड्राइव। ओके, अब मेरे को सपोज करो प्रोग्राम कॉपी करना है 4 नंबर, तो मेरे को क्या करना है, ये एरो से सिलेक्शन पे आना है, ठीक है? 4 नंबर पे आ गए, फिर हमने आना है यहाँ से OPRT पे। और OPRT पे जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शंस आ जाएंगी। हमने क्या करना है, इस एरो से यूँ आगे जाना है। जब यहाँ पे सिलेक्ट लिखा आ जाएगा तो हमने सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। पूछ रहा है रेंज सिलेक्ट, ईच सिलेक्ट, ईच बोले तो सिंगल, रेंज बोले तो कितने प्रोग्राम, कहाँ से कहाँ तक। पहले हम ईच सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो इसका कलर देखो चेंज हो गया, ब्लू कलर हो गया, ठीक है? मैंने ईच सिलेक्ट पे क्लिक किया तो कॉपी हाईलाइट हो गया। कॉपी पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद पेस्ट आ गया, लेकिन पेस्ट तो अपने को यहाँ करना ही नहीं है, पेस्ट तो अपने को पेन ड्राइव में करना है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से इस बटन पे क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है और एक ऑप्शन आएगा डिवाइस चेंज, मेरे को इस पे क्लिक करना है
और अपने को ढूंढना है कि अपने डिवाइस है उसका नाम क्या है। सी एम मेमरी भी नहीं है, ई एम बी ईथर भी नहीं है, सी एफ भी नहीं है, यू एस बी। जनरली सबको पता रहता है कि अपने पेन ड्राइव को यू एस बी बोलते हैं, तो मेरे को क्लिक करना है यू एस बी पे। यू एस बी पे जब आप आए तो अपने को क्या करना है, फिर यहाँ से ऑप्शन पे जाना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आएगी पेस्ट, पेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये लिखा आ रहा है यहाँ पे ओवरराइड फेल्ड। अब ओवरराइड फेल्ड क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्रोग्राम है, राइट। मैं क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ, मैं ये सारे प्रोग्राम एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट पे गए और चार नंबर है, चार नंबर कॉपी किया, तो मैं एक बार के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फाइल और फोल्डर, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब एक्शन लेना है, यस। चार नंबर डिलीट हो गया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार के लिए सारे डिलीट कर देता हूँ, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि डिलीट करने कैसे बेसिकली, ठीक है। तो रेंज सेलेक्ट, रेंज सेलेक्ट में क्या करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया और ये वाले एरो से हम नीचे आते गए। देखो सबका कलर चेंज होता जा रहा है ना, ये सारे सेलेक्ट हो गए। डिलीट का बटन मैंने दबा दिया और एग्जीक्यूट कर दिया, डिलीट हो गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका यहाँ पे यू एस बी लिखा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपके इसकी मेमोरी में प्रोग्राम है और वो आप डिलीट कर दो, तो इसी का ध्यान रखना है अपने को। ये ना हो कि हमारा कंपनी का जो भी डाटा होता है सारा वो उठ जाए। तो ये मैंने डिलीट किया, ठीक है। मैं फिर से उस ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, डिवाइस चेंज। अब प्रोग्राम कहाँ से उठाना है, सी एन सी की मेमोरी से, तो अपने को क्लिक कब कहाँ करना है, सी एन सी मेमोरी पे। ये प्रोग्राम आ गए, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट पे क्लिक किया। ईच सेलेक्ट करोगे तो सिंगल प्रोग्राम सेलेक्ट होगा, अपने काम करते हैं अभी, चार प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो रेंज सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे और इस एरो से जितना नीचे आएंगे उतना प्रोग्राम वो सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। मैंने किया कॉपी, कट करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, तो कॉपी करना है अपने को। कॉपी करने के बाद इस वाले सॉफ्ट की पे आना है, इस पर क्लिक करना है। कब तक क्लिक करना है, जब तक डिवाइस चेंज का ऑप्शन ना दिखे। डिवाइस चेंज के बटन पर क्लिक करना है, कौन से डिवाइस में कॉपी करना है, यू एस बी क्लिक कर दो। ये आ गया, अभी मेरी यू एस बी खाली हुई है, तो मेरे को क्या करना है, पेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रही, तो ये वाली सॉफ्ट की पे प्रेस करना है, पेस्ट का ऑप्शन आ गया है। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा, देखो चार पांच प्रोग्राम थे, थोड़ा दो तीन सेकंड का टाइम लिया, एक प्रोग्राम होता तो झट से कॉपी हो जाता। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें आ गए हैं, राइट। अब अगर यही प्रोग्राम मेरे को सी एन सी की मेमोरी में कॉपी करना है, तो उसके लिए भी अपने देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉरी, ओ पी आर टी पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। मैं सिंगल सेलेक्ट करता हूँ, इस सेलेक्ट पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, डिवाइस चेंज, सी एन सी मेमरी, प्रोग्राम आ गए हमारे, और फिर मेरे को क्या करना है, पेस्ट करना है। तो ये सॉफ्ट की को प्रेस करना है, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करना है। ये कह रहा है कि भाई ओवरराइट ऑपरेशन 0004, कि जो ये प्रोग्राम है इसको ओवरराइट करना चाहते हो, अगर यस करना करोगे तो उसका रिप्लेस हो जाएगा, नो करो तो नहीं होगा। तो मैंने यस कर दिया, कि वो प्रोग्राम पहले से था, तो तभी करके उसने पूछा कि ओवरराइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा इसमें प्रोग्राम कॉपी करने का, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब आप प्रोग्राम कॉपी कर रहे हो तो वो रिप्लेस तो नहीं हो रहा। हम इसका यूज क्यों करते हैं, सपोज करो हमारे पास 5 से 6 सी एन सी मशीन हैं और हमारा 3 मशीन में प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अपने को इस मशीन पर चालू करना है, वो प्रोग्राम दोबारा ना बनाना पड़े, अपने उस मशीन से प्रोग्राम कॉपी किया और इसमें डाल दिया, राइट। अब जब इसमें हमने डालना है, तो ये ना हो कि पहले जो प्रोग्राम है उसका नंबर भी 4 है, वो जो कॉपी करे वो भी 4 है, तो क्या होगा, वो नए वाला तो आ जाएगा, पहले वाला 4 नंबर चला जाएगा।
तो इस करके इसी का ध्यान रखना है कि वो नंबर डालना है जो इसके सेटिंग के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता जा रहा हूँ, राइट। या फिर यूँ भी हो सकता है कि सपोज आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने 6-7 इंडस्ट्री से कॉन्टेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपको वहाँ जाना है किस इंडस्ट्री में, प्रोग्राम बना के आना है, राइट। तो वहाँ जाओगे, बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या किया, उनसे ड्राइंग मंगवा ली, ड्राइंग मंगवाई तो उसका आपने प्रोग्राम बना लिया, लाइक कंप्यूटर पे बना लिया, या जहाँ आप सीएनसी पे अभी एट प्रेजेंट काम कर रहे हो वहाँ बना लिया। वहाँ बनाने के बाद पेनड्राइव में कॉपी किया, और जिस भी कंपनी में अभी आपने जाना है तो वहाँ खाली पेस्ट करना है, ऑफसेट की सेटिंग करनी है, पहला उनको वर्कपीस बना के दिखा देना है, चेक करवा देना है, उसके बाद काम फिनिश, ठीक है। तो जनरली कॉपी करने के लिए यूज होता है, राइट। मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी सेम है कॉपी करने की, पेन ड्राइव की सेम है, खाली जो मैंने आपको बताया था उसी का ध्यान रखना है कि मेमोरी कार्ड के लिए कौन सा नंबर आएगा, पेन ड्राइव के लिए कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ लग गया होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ भी कोई डाउट आ रहा है बेसिकली, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो। होता क्या है, जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तो 100% अगर कंसल्टेशन नहीं होती तो कुछ डाटा रह जाता है कि यार मैं क्लिक कर रहा था इंडस्ट्री में जाके, सपोज आप एक ऑपरेटर हो तो आपने देखा इंडस्ट्री में जाकर ट्राई किया, ये तो हो नहीं रहा यार। एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जब आप मशीन पे काम कर रहे हो, आप ट्राई करना चाहते हो उसको, तो वीडियो को साथ साथ प्ले कर लो। जैसे वीडियो में एक एक फंक्शन है ना, भले पॉज करके यूज करो, पॉज करके यूज करो, ऑटोमेटिकली उस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे बता रहा हूँ, मशीन पे बता रहा हूँ, मशीन पे आपने काम करना है तो आपको पता लग जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे, और यूं ही आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे सो दैट आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। ये हमारा YouTube पे वीडियो डालने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन अगर आपको हमारे यहाँ पे आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप आ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर पहले से देख रहे हो तो काफ़ी जो आपके लिंक में स्टूडेंट्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें वीडियो शेयर कर दो, ओके। सो थैंक यू, आज के लिए इतना।